आज आपकी मुलाकात एक ऐसे नौजवान से करवाने जा रहा हूँ जिसने हजारों नहीं लाखों हसीनाओं के दिल तोड़े हैं और उनके दिलों पे छुरियां चलाई हैं। जंगल में रहती हूँ, कांटे पसाता हूँ, जब तुम्हारी याद आती है जी भर के रोती हूँ। वाह 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 वाह। पतले दुबले हो, की वजह की डाइट करते हो, की खाते हो? जो मैं खाता हूँ ना, आप कोई सोच भी नहीं सकते, मैं आइसक्रीम खाता हूँ। आइसक्रीम में कौन सा फ्लेवर पसंद करते हैं? मरेला। जंगो भाई, मरेला नहीं वनेला। मरेला। घर बैठा हूँ पंखे के नीचे, गर्मी बहुत है इधर, धूप आती है, कलर खराब होता है, ऐसे ही जगह फिर ता नहीं आपका मैंने टाइम दिया। जंगो मुझे बताइएगा कि हजारों फैंस आपकी देख रही हैं आपको, अगर वो आपको प्रपोज करना चाहें तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? सॉरी गल मैं भी फुल। अस्सलाम वालेकुम, नूर पाकिस्तान से मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात एक ऐसे नौजवान से करवाने जा रहा हूं जिसने हजारों नहीं लाखों हसीनाओं के दिल तोड़े हैं और उनके दिलों पे छुरियां चलाई हैं। जी हां नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं ये नौजवान जिसने अपनी बांसुरी के सुर पे, और बांसुरी के जब सुर इसकी बांसुरी से निकलते हैं तो लड़कियों के दिल पे असर रखते हैं। नाज़रीन, क्या वजह है, इनसे मदद की बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, ठीक हो भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपका क्या नाम है? जंगो। जंगो मुझे बताएं कि आप बांसुरी कब से बजा रहे हैं? 8 साल हो गए मुझे। बाकी पीछे कितने रह गए? 4 साल रह गए। की वजह है? और रांझा बनना आ, 4 साल बाद रांझा बन जाना होता, जेडिया लखा दे साहब ने कुड़ियां आ रही हैं उन्होंने कभी इन्ना टाइम नहीं दिता, लेकिन वो टाइम बहुत देंदे, लेकिन इन्ना वक्त नहीं है मेरे को उन्होंने, मैं बुलावा चलावा जो भी करा, लेकिन मेरी गलत सोच नहीं है। अच्छा, रांझा जो है वो 4 साल बाद कज़ाए लाही ने इंतकाल भी फरमा गए, तुम्हें पता है? लेकिन वो इंतकाल हो गया, लेकिन मैं रांझा बन जू रहना दूजे जन्म विच, वो पिछले जन्म का है, मैं दूजे जन्म का बन जू रहा रांझा। अच्छा मुझे बताएं कि आप बांसुरी जब बजाते हैं तो आपकी ऐसी आवाज़ बांसुरी में से निकलती है, ऐसे सुर निकलते हैं कि लड़कियां काहिल हो जाती हैं, आपको आपके ऊपर फिदा हो जाती हैं, क्या वजह है? ये बांसुरी का कमाल है। बांसुरी बजा के देखो, सुनाएं जरा। अच्छा जंगो भी मुझे बताइएगा कि बांसुरी आपने बजाई है, एक बांसुरी जिसको जब हम इमेजिन करते हैं कि बांसुरी बजनी चाहिए, तो एक ख़ास सॉन्ग है जो चलता है, जो हीर रांझा की मूवीज़ में भी था, वो आप अगर हमें सुनाएं। मैं आपको वो भी सुना दूँ जो मैंने हूँ बजाई है ना बांसुरी, जो साहब मैंने लगाया, जिनके दिल टूटे हैं उनके लिए है, उनको पता चल गया है ये गाना कौन सा है। अच्छा, आप जब उनसे बात करते हैं जिनके दिल टूटे हैं तब भी आप ऐसी बात करते हैं? जी ऐसी करता हूँ, पंजाबी से करता हूँ, पंजाबी लोग हूँ, ऐसे करता रहता हूँ सभी से। मैं रंजे बल से सुर सेट हो रहे हैं नाजरीन।
जेंगो बहुत खूब बड़ी आला बांसी बजाते हैं। जेंगो मैनू दस्या जे अज तक किनिया कुड़िया दे दिल तोड़ चुके हो? 110 कुड़िया हो गया उवें तो वेखे बड़े लखा दे हिसाब ने, लेकिन वैसे मैं अपनी तरफ कह रहा 110 जड़िया ना जो निजर है जी एक नंबर चीज मैं तुम दस रहा 110 उवें तो बड़िया आई ओरिजिनल 110 ने। हाँ जी बड़ी गल है, किस तरह उन्होंने रिजेक्ट कर दे? ਇਹ ਬਾਂਸਰੀ ਜਦੋਂ ਵਜਾਉਂਦਾ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮ ਐਸਾ ਪੈਂਦਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਐਸਾ ਤਰਸ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤਰਸ ਖਾਂਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੰਗਲ ਮੈਂ ਰਹਿਤੀ ਹੂੰ ਕਾਂਟੇ ਪਸਾ ਤੋਂ, ਜਦ ਤੁਮਾਰੀ ਯਾਦ ਆਤੀ ਹੈ ਜੀ ਬਰ ਕੇ ਰੋਤੀ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਜੰਗੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ 110 ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ? ਉਹ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਲੱਗ ਜਾਣ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਹਦਾ ਇਸ਼ਕ, ਬਾਂਸਰੀ ਦਾ ਹੀ ਆ ਜੰਗੋ ਦਾ? ਬਾਂਸਰੀ ਦਾ ਵੀ, ਜੈਂਗੋ ਦਾ ਵੀ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਜੈਂਗੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ, ਬਾਂਸਰੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਤਲੇ ਦੁਬਲੇ ਹੋ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਕੀ ਡਾਇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਮੈਂ ਖਾਤਾ ਹੂੰ ਨਾ ਆਪ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਤਾ। ਅੱਛਾ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਤੇ ਹੈ ਜੀ? ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਮੈਂ ਕੌਨ ਸਾ ਫਲੇਵਰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਮਰੇਲਾ। ਜੈਂਗੋ ਬਈ ਮਰੇਲਾ ਨਹੀਂ ਵਨੀਲਾ। ਮਰੇਲਾ। अच्छा कहाँ से खाते हैं, चमन आइसक्रीम से खाते हैं या और किसी जगह से जाके खाते हैं? चमन आइसक्रीम से खाते हैं। वाह 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 वाह। अच्छा कभी किसी हसीना के साथ जाके डेट पे जाके मरेला आइसक्रीम खाई है? नहीं मैं ऐसे नहीं काम करता हूँ, डेट में नहीं जाता, वो सभी आतिया है हमारे। अच्छा अगर वो आपको कह के जाएंगे मेरे साथ डेट पे जाओ तो क्या कहेंगे आप? फिर ऐसे कहता हूँ आई लव यू टू। अच्छा आप क्या देते हैं डायरेक्ट, आई लव यू टू। जंगो मुझे बताएं कि आप बहुत खूबसूरत हैं, हैंडसम हैं, इस खूबसूरती का राज क्या है? जब मैं 4 बजे उठता हूँ ना, बाइक करता हूँ, काला सा काकू जाता हूँ उधर, फिर सभी लोगों को मिलता हूँ, फिर ऐसे हो गए। अच्छा जब आप सुबह 4 बजे उठते हैं और पैदल वॉक करते हैं काला सा काकू, काला सा काकू क्या है? ओ वो कज़न है। फर्स्ट कज़न है, सेकंड कज़न है? दोनों कज़न है। नहीं जीटी रोड से या मोटरवे से? मोटरवे से। जंगो मुझे बताइएगा कि आप इंटरव्यू देने से पहले कह रहे थे कि अभी धूप जरा खत्म हो जाए फिर मैं आपको इंटरव्यू देता हूँ, इसकी क्या वजह है? सब लोग काम करते हैं, आप धूप में इंटरव्यू क्यों नहीं दे रहे? ये बारू नहीं दे रहे ना, घर बैठा हूँ पंखे के नीचे, गर्मी बहुत है इधर, धूप आती है, कलर खराब होता है, ऐसे ही बात है, फिर ता नहीं आपका मैंने टाइम दिया। नाज़िम जेंगो का कहना है कि अगर मैं धूप में आता हूँ तो मेरा कलर ख़राब होता है और स्किन प्रॉब्लम होती है। तो जेंगो मुझे बताइए जो हज़ारों दुनिया काम कर रही है इनको स्किन प्रॉब्लम नहीं है? जो हमारी प्रोग्राम है वो किसी को भी है। जेंगो मुझे बताइएगा कि हज़ारों फैंस आपकी देख रही हैं आपको, अगर वो आपको प्रपोज करना चाहें तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? सॉरी गल मैम भी फुल। जी नाज़िन आपने जेंगो की तमाम गुफ्तगू सुनी जो एंटरटेनमेंट पर मबनी थी। नाज़िन इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको हंसाना, खुश करना है और इसका कोई मकसद नहीं है। इस मकसद में जो है हमारे जेंगो को तमाम गुफ्तगू का पता था और इसे हमारे साथ था। नाज़िन अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, आपका मेरा खुदा आमिन नासिर।